जाड़े के मौसम में पशुओं को सर्दी या जुकाम, निमोनिया, अफरा, हाइपोमैग्नीशियम या टेटनी रोगों की संभावना ज्यादा रहती है। जुकाम, पशुओं के नाक से पानी जैसा पदार्थ अगर निकलता रहता है जो बाद में पीला मवाद जैसा हो जाता है। इसके अलावा पशुओं को सांस लेने में तकलीफ होती है और नाक के अंदर से सूज जाता है। कभी कभी ज्वर यानी बुखार भी हो जाता है और पशु खाना पीना भी छोड़ देते हैं। इससे बचाव के लिए पशु को गर्म स्थान पर रखें। सांस में रुकावट के कारण होने वाली तकलीफ को कम करने के लिए नाक के छिद्र को साफ कर सिलाइन सॉल्यूशन से धोना चाहिए। इसके अलावा गंधक का धुआं सुंघाने से बहता हुआ जुकाम भी कम हो जाता है और ज्वर यानी बुखार के लक्षण भी कम हो जाते हैं। गर्म पानी में खाने वाला सोडा लगभग 20 ग्राम घोलकर दिन में दो बार पिलाने से पशु को लाभ मिलता है। इस उपाय से अगर पशु ठीक न हो तो फिर पशु चिकित्सक से सलाह जरूर लें। ठंड में आमतौर पर लगने वाली दूसरी बीमारी है निमोनिया। इस रोग के कारण पशु के सांस की गति तेज लेकिन कम गहरी रहती है। बाद में सांस लेने में तकलीफ होती है और पशु खुले मुंह या जीभ बाहर निकालते हुए सांस लेते हैं। पशु खाना कम कर देता है और सुस्त रहता है। चलना फिरना भी कम हो जाता है। साथ ही पशु को हमेशा बुखार रहता है जिससे कि आपका पशु कांपता और कराहता रहता है। निमोनिया 7 दिन तक बढ़ने के बाद इसके लक्षण कम होने लगते हैं। इस बीमारी से बचाव के लिए सबसे पहले पशु को स्वस्थ पशु से अलग कर दें। पशु घर में हवा आने जाने की व्यवस्था रखें। बीमार पशु को बोरी या कंबल उड़ा दें। गंधक का धुआं सुंघाएं। खाने के लिए पशु को नरम और शीघ्र पचने वाला आहार दें। इसके साथ ही पशु चिकित्सक की सलाह पर एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामिनिक और लीवर एक्सट्रैक्ट देना चाहिए।